इंडिया के जाने माने बिजनेसमैन रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे। पार्थिव शरीर NCPA में दर्शन के लिए रखा गया था। वर्ली में हुआ अंतिम संस्कार। नागपाड़ा जंक्शन रास्ता रोको मर्डर केस सामने आया कमाठीपुरा से। बीजेपी MLA को थप्पड़ मारा, पुलिस ने किया बीच बचाओ, वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल, यूपी का बताया जा रहा। लड़की बहन अब महाराष्ट्र में लड़का भाऊ को भी मिलेगा पहला हफ्ता 6,000 से 10,000 तक। थाने के अंबरनाथ से आया चौंका देने वाला मामला सामने, वाइफ का मर्डर कर हस्बैंड हुआ फरार, पुलिस तलाश में। बिना टिकट ट्रेन से ट्रैवल करने वाले हो जाओ सावधान, वेस्टर्न रेलवे ने शेयर की जानकारी। अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान 68 करोड़ से अधिक का फाइन वसूला। अहमदनगर का नाम अब ऑफिशियली अहल्या नगर हुआ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट गेजेट इशू किया। 3,50,000 की रिश्वत लेते हुए सीनियर PI को एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया, नवी मुंबई के NRI कोस्टल पुलिस स्टेशन का मामला। मुंबई के गरबा इवेंट में गरबा रोक कर रतन टाटा को दिया गया ट्रिब्यूट, वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। गुरु गोविंद सिंह नगर कुर्ला वेस्ट में आग लगने की खबर सामने आई। उड़न बुचड़खाना प्रोजेक्ट से 50 करोड़ रुपए अपकमिंग, बाला साहब ठाकरे आर्ट गैलरी में डाइवर्ट किए गए। नवी मुंबई में एनिमल क्रूरता, चलती ऑटो में ठूस कर भरे हुआ मिला घोड़ा, चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। रतन टाटा के फ्यूनरल में होम मिनिस्टर अमित शाह पहुंचे मुंबई के NCPA में। रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार और NCP शरद पवार चंद्र पार्टी के प्रेसिडेंट शरद पवार। मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग इंस्पेक्टर को 300 करोड़ रुपए का बिलेसिस कंसल्टेंसी इन्वेस्टमेंट फ्रॉड से जुड़ा हुआ रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया गया। रतन टाटा की डेथ की खबर सुनकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू, PM नरेंद्र मोदी सहित सभी पॉलिटिकल लीडर, बिजनेसमैन, फिल्मी सितारे सब ने सोशल मीडिया के जरिए दुख व्यक्त किया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपकमिंग असेंबली इलेक्शन के बीच 90 करोड़ का डिजिटल पब्लिसिटी टेंडर लॉन्च किया। मुंबई में IMD ने जारी किया येलो अलर्ट, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में बारिश होने की संभावना जताई। डॉट ने फेक डॉक्यूमेंट के आधार पर 1,77,00,000 के मोबाइल कनेक्शन, साइबर क्राइम द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले 49,000 से अधिक फोन ब्लॉक किए। कल्याण में गरबा कार्यक्रम के दौरान बिजली का झटका लगने से 19 साल के युवा की हुई मौत। मुंबई हाईकोर्ट ने 2017 में बांद्रा आगजनी मामले में दो लोगों की हत्या करने वाले व्यक्ति की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदला। CM एकनाथ शिंदे विधानसभा चुनाव से पहले 10 अक्टूबर को 1,000 करोड़ की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। दलजीत दोसांझ ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के लिए जर्मनी में कॉन्सर्ट बीच में ही रोक दिया, कहा उन्होंने कभी किसी के बारे में बुरा नहीं कहा। बिग बॉस 18 में बड़ा खुलासा, गुणरत्न सदावर्ते ने खुलासा किया कि शो में एंट्री करने से एक दिन पहले उन्हें कराची पाकिस्तान से धमकी भरा कॉल आया। इंडियन क्रिकेटर सरफराज खान के घायल भाई मुशीर खान से मिलने पहुंचे रोहित शर्मा, सोशल मीडिया पर सरफराज खान ने फोटो किया शेयर।